नहीं, एग्जाम डेफर करना तो अच्छी बात है, मगर जब तक एप्टेक को बाहर नहीं करेंगे, जो असली समस्या का जो असली वजह है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है। एप्टेक को दूर करके या तो SSRB खुद एग्जाम कंडक्ट करे या किसी ऐसी एजेंसी को एम्प्लॉय करे जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो, तब बात बनेगी। खाली एग्जाम डेफर करना सॉरी, जो कैंडल मार्च किया था आपने JKSSB के खिलाफ बच्चों के फेवर में, वो सक्सेसफुल हो गया? नहीं देखिए, वो तो अधूरा है, अभी तो खाली एग्जाम डेफर हुए हैं, अभी तो एप्टेक को बाहर करना है, उनके खिलाफ एक्शन करना होना चाहिए जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया, और उसके बाद कोई नई एजेंसी को एम्प्लॉय करके एग्जाम होने चाहिए, अभी तो ये अधूरी बात है। मैडम, ये बात तो ठीक है, आपके गवर्नर पर आपका एक बयान आया था कि यूपी, ये यूपी के हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और वहाँ पर माफिया और गुंडों को जो है नौकरी दी जाती है, कल उसी सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि हमने 47 कोई कर्मचारी हैं जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनको हमने बाहर का रास्ता दिखा दिया जो देश विरोधी कार्यों में सम्मिलित थे, किस तरह से आप? अरे उसमें मैं क्या देखूं, जब से ये गवर्नर साहब आए हैं जो जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं उसमें दादलियाँ होती हैं, तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। मैम आप